दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों या तो आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो HSC था वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के हरियाणा में जो नंबर दिए जाते थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी असंवैधानिक करार कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो असंवैधानिक 5 नंबर जो करार कर दिए गए थे तो HSC की तरफ से दोबारा से आपका जो संशोधित परिणाम था उसको घोषित किया गया। और इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो बचे हुए ग्रुप है उनके लगभग 20,000 पद है उनको दोबारा से विज्ञापन कर सकता है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के बचे लगभग 20,000 पदों को पुनर्विज्ञापित कर मांगेगा आवेदन। यानी ग्रुप सी का जो CET का संशोधित रिजल्ट है आपका पहले ही घोषित कर दिया गया है, तो आयोग ने इसमें तेजी से काम शुरू कर दिया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को लागू करना शुरू कर दिया। यानी 25 जून को ग्रुप सी के CET का संशोधित जो रिजल्ट था उसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया। यानी जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के बगैर जो CET से में प्राप्त अंकों के आधार पर ही रिजल्ट घोषित किया गया है। अब हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार जो ग्रुप सी के बचे लगभग 20,000 पदों को पुनर्विज्ञापित किया जा रहा है, यह विज्ञापन आपका कभी भी जारी हो सकता है। आयोग इन पुनर्विज्ञापित पदों के लिए CET के संशोधित जो रिजल्ट है उसके अनुसार ही आवेदन मांगेगा। तो कम समय में भर्तियों को पूरे करनी है तो इसलिए आयोग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया गया है। ग्रुप सी के जिन पदों के लिए रिजल्ट घोषित किया जा चुका है तो फिलहाल उन पदों को विज्ञापित नहीं किया जाएगा। यानी जिनकी नियुक्ति हो चुकी है ग्रुप सी के पदों के लिए उनको दोबारा से फिलहाल में विज्ञापित नहीं किया जाएगा। यानी जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर रोक लगा दी है तो आयोग ने तत्कालीन जो अध्यक्ष थे भोपाल सिंह खदरी और तत्कालीन सदस्य कवलजीत सिंह सैनी ने ग्रुप सी के जो लगभग 10,400 पदों के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर रिजल्ट घोषित कर दिया था, यानी जिसमें से फायर ऑपरेटर के लगभग 800 पदों का रिजल्ट होल्ड कर दिया था, तो आयोग ने ग्रुप सी के जो 24 ग्रुपों का रिजल्ट घोषित कर दिया है। तो इसी तरह जो 36 ग्रुप से संबंधित पदों को पुनर्विज्ञापित किया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन मांगे जाएंगे और उसके बाद ही नॉलेज टेस्ट को लिया जाएगा। अब सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल नहीं है तो इसलिए जो भर्तियां होगी वे बिना देरी के हो सकती है। यानी जिन पदों का रिजल्ट घोषित हो चुका है तो उन पदों के लिए फिलहाल ऐसे कई ऐसा रखा जाएगा, तो उसके लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को जानकारी दी जाएगी। यानी जो पहले जो रिजल्ट है वो आपका घोषित किया गया है वो बिना सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के आधार पर किया गया है। यानी जो आपका जो रिजल्ट था वो बिना 5 अंकों के घोषित किया गया था, तो इसलिए जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का लाभ नहीं दिया गया है। TGT पदों की बात करें तो फिलहाल यह रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। TGT पदों का जो रिजल्ट आपका सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर और अंकों सहित तैयार है, यानी फिलहाल में यह रिजल्ट आपका घोषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि TGT की भर्ती संबंधित 2 अन्य विषयों पर भी हाईकोर्ट में केस दायर है। तो आयोग के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे भोपाल सिंह खदरी और सदस्य थे कवलजीत सैनी, तो ग्रुप डी के लगभग 11,000 पदों का रिजल्ट भी घोषित कर दिया था, तो जिसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए जो ग्रुप डी के बचे पदों और रिक्त रह गए थे उनका रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। फिलहाल में यह रिजल्ट आपका जारी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबसे पहले जो ग्रुप सी के बचे हुए पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया पूरी करने का काम चल रहा है। यानी जो आपके पहले ग्रुप सी की भर्ती को पूरी किया जाएगा उसके बाद ही जो बचा हुआ रिजल्ट है उसको दोबारा से घोषित किया जाएगा। ग्रुप सी और ग्रुप डी के कुछ और पदों का आग्रह आयोग को भेजा जा सकता है। यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए प्रत्येक वर्ष CET लिया जाना था, लेकिन जो आपका जो CET है केवल एक बार हुआ है, तो इसलिए वैधता आपकी जो 3 वर्ष है CET की वैधता 3 वर्ष है। हालांकि हर वर्ष दोनों CET होने थे मगर अभी तक एक बार ही CET हुआ है। अब विधानसभा चुनाव नजदीक है तो इसलिए प्रदेश सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए कुछ और पदों को भरने का आग्रह आयोग के पास भेजा जा सकता है, लेकिन इसके लिए मौजूद CET मेरिट के आधार पर ही भर्ती पूरी की जाएगी। यानी जो सरकार की तरफ से जो नए जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो पद होंगे उनका आग्रह HSC की भेजा जाएगा और HSC यानी जो आपका जो मौजूद CET है उसी के आधार पर भी आपकी नई भर्ती हो सकती है। अब यह आयोग पर निर्भर करेगा कि वह कितनी तेजी से काम करता है। बात करते हैं पुलिस भर्ती के बारे में, तो पुलिस सिपाही के जो लगभग 6,000 पदों की भर्ती की जाएगी जिसमें से 5,000 पुरुष और 1,000 महिला
शामिल है, यानी इनका विज्ञापन हो चुका और उनके आवेदन भी मांगे जा चुके हैं। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार जो सीटी के संशोधित रिजल्ट के बाद ही प्रक्रिया शुरू करनी है, तो इसलिए आयोग जो पुलिस सिपाही के इन पदों के लिए दोबारा से आवेदन मांग सकता है, लेकिन फिलहाल पर जो इस भर्ती पर अभी फैसला होना बाकी है। घोषित रिजल्ट को बचाने के लिए हाईकोर्ट की शरण में पहुँचने लगे चयनित उम्मीदवार, यानी जिन ग्रुपों का जो रिजल्ट है उन ग्रुपों को रिजल्ट को बचाने के लिए जो हाईकोर्ट की शरण में जो चयनित उम्मीदवार है वे पहुँचने लग गए हैं। यानी चयनित उम्मीदवार को नियुक्त एक पत्र जारी भी हो गए थे और वे एक एक कर हाईकोर्ट की शरण में पहुँचने लगे हैं। फिलहाल VLD पद पर चयनित एक उम्मीदवार ने रिव्यू पटिशन दायर की है और अन्य पदों के लिए जो चयनित भी एक दो सप्ताह तक रिव्यू पटिशन दायर करेंगे, यानी जो VLD के चयनित उम्मीदवार है उन्हें रिव्यू पटिशन दायर कर दी है। तो इसके लिए जो एडवोकेट अंकुर सिधार है उन्होंने बताया कि याचिका में जो VLD के पद के लिए जो रिजल्ट घोषित किया गया था वो आपका बिना जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर घोषित किया गया था, इसलिए जो यह रिजल्ट है जो आपका अप्रभावित रहेगा, यानी इस रिजल्ट को बरकरार रखा जाए ऐसा कहा गया है। तो दोस्तों यह थी आपकी HSC की तरफ से 20,000 पदों को पुनर्विज्ञापित करने के लिए, आपका कब पुनर्विज्ञापित होंगे और इसका जो आपका जो CET है इसके आधार पर आपकी नई भर्ती कब होगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। माजिद साइंस को वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।